पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों दयाबेन की वापसी को लेकर खूब लाइमलाइट बटोर रहा है। लेकिन भाई अब ताजा मामला जुड़ा है शो की एक और मशहूर एक्ट्रेस को लेकर। शो के इस फेमस एक्ट्रेस ने बोला है कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है और उन्होंने खुलासा कर मेकर्स पर लगा दिया है बड़ा इल्जाम भी। पर अब ये क्या बात है और कौन सी है ये एक्ट्रेस, ये भी आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शो में अंजलि भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नेहा मेहता की, जिन्हें शो से एग्जिट लिए तो कई महीने बीत चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने मेकर्स पे उनके काम के पैसे ना चुकाने का बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ, नेहा मेहता ने बताया है कि उन्हें उनके काम के मेकर्स ने अब तक पैसे ही नहीं दिए हैं और अब तक वो इंतजार कर रही हैं कि मेकर्स उनका बकाया कब चुकाएं। ई टाइम्स के साथ खास बातचीत में नेहा ने इस पूरे मामले पर बातचीत की। नेहा ने बताया, मैं बहुत ही सम्मानित जिंदगी जीती हूँ और किसी भी चीज के बारे में शिकायत करने में मैं विश्वास नहीं करती, ना ही मुझे ऐसा करना है। 12 साल बाद मैंने ये शो 2020 में छोड़ दिया। आखिरी 6 महीने के बकाए पैसे मुझे अब तक नहीं मिले। शो छोड़ने के बाद मैंने पैसों के लिए उन्हें कई बार फोन किया। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी इसका समाधान निकलेगा और मुझे मेरी मेहनत के कमाए पैसे मिल जाएंगे। आपको बता दें कि नेहा मेहता तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ शो के लॉन्च से ही जुड़ी हुई है। 12 साल तक काम करने के बाद नेहा ने शो को छोड़ दिया। शो छोड़ने की वजह के बारे में नेहा मेहता ने 2020 में बॉम्बे टाइम्स को इंटरव्यू में बताया था, आगे बढ़ने के लिए शो छोड़ना जरूरी था। जब आप लंबे टाइम तक किसी एक शो के साथ जुड़े रहते हैं तो कंफर्ट जोन में रहते हैं। मुझे पिछले कुछ साल से कई इंटरेस्टिंग ऑफर मिले, लेकिन मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि तारक मेहता मेरी फैमिली है। ऐसा नहीं है, प्रोड्यूसर या मेकर्स के प्रति मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं है, पर मुझे लगता है कि बिना परेशानी खड़े किए चुपचाप निकल जाना चाहिए। साल 2020 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने के बाद से ही नेहा मेहता को किसी और टीवी शो का ऑफर नहीं मिला। वो अभी एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही हैं। नेहा मेहता इस बारे में कहती हैं, मैं अच्छे ऑफर्स के लिए इंतजार कर रही हूँ। टीवी एक अच्छा मीडियम है और इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन 12 साल एक्टिंग करने के बाद मैं जल्द ही कोई और शो नहीं करना चाहती। मैं एक वेब शो में काम करना चाहती हूँ। हालांकि फिलहाल तो नेहा को एक ही बात का इंतजार है कि मेकर्स उनके पिछले कई महीनों के पैसे चुका दे। हालांकि अब देखना तो यह है कि नेहा के इस इल्जाम के बाद खुद असित मोदी, जो कि शो के प्रोड्यूसर हैं, वो इस मैटर पे कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या कुछ कहते हैं।